you <laughs> हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है खुशी तो खुशी एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तेलुगु में बनाया गया था वहीं पे तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में डब्ड करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया गया था खुशी का मीनिंग होता है हैप्पीनेस और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये जो सभी वर्जन है वो कौन से ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग देने वाले फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है वहीं पे इस फिल्म से जुड़े सभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें जो तथ्य है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक सर बने रही तो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेज लें लें में रिलीज हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहां पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो माइत्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो टग जगदीश और और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल साबित हुई थी और ये मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया हुआ था वहीं पे जो हिंदी वर्जन के राइट्स थे वो बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने सभी राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक के रेट सारे कमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा सम प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग प्रवीण पुरी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम एक मिनट है यानी कि दो घंटे पैंतालीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको इसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देव और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समंथा रोज प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करते हुए नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा निर्वाणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ आ, बीमारी हुई थी उससे वो सफर कर रही थी उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ, साथ स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे भी कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च दो में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डीसी से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या पर इस बाद में एडिटिंग और कला करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहाँ पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नुवे जिसको नौ मई दो में सारे गमा के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं पे आराध्या करके जो गाना था उसको रिलीज़ किया गया बारह जुलाई 2023 को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था खुशी जो टाइटल सॉन्ग था साई टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे और इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको अब्दुल वहाब दिव्या और दिवियास मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे घमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीजें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते हैं उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर कोंडा जो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समंता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी परिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है लेटर वन वो बाद में रिविल करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनकी लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज़ को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही शोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया होता और बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स से और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस परफॉर्मेंसिस थी, तो थी, थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो, वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट थे वो भी डिसेंट वे में डिसेंट हैंडल किए हुए थे मोसन से सेकंड हाफ में वो भी काफी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरन्या मुरली शर्मा रोहिणी सरन्या प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे-मोटे किरदार प्ले करते तो नजर आते सभी रोल में काफी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रेडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हिजम वहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सूपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह से मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिड पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीज़न है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नज़र आएगी जिसका सेकंड हाफ आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिविल होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी हिट का स्टेटस ले ही लेगी हो सकता है अगर फिल्म फिल्मे में वर्क कर गए सुपर उसके करें तो हिंदी वर्जन के लिए के पास है वहीं पे नेटफ्लिक्सेलाइट राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास है नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए हैं तो ओटीटी वर्जन के लिए तो अभी फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल

विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो माइत्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी करी हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सारे गाँ वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहली जी ने इसमें सिनेमाटोग्राफी किए हुई है एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे गमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका 165 है टाइम मिनट अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्थारुद प्रभु ने आराध्या आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा निर्वाणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिनी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकेंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ, साथ स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समंता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डी से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या फिर बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीज़ों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन क्वाइ गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं पर दिया करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था कुछ जो टाइटल सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमां के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुलवाहाब दी दिवियास और दिव्या पे। में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्य के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी परिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मैरिज लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज़ को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही शोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था और बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मज़ा आता है वहीं पे कुछ ऐसे सीन से उसमें कुछ नयापन तो नहीं था लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है वो काफी कन्विंसिंग नजर आता है वहीं पे विजय देवरकोंडा को जिस तरह से विप्लव का रोल मिला हुआ था उसमें जो किरदार लिखा हुआ था उन्होंने उसमें को सुपर वे वे में डिरे, डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उनकी जो मास इमेज है उसको साइड करते हुए इस फिल्म में जिस तरह कैरेक्टर की जो डिमांड थी उस तरह का उनको किरदार मिला उसमें उन्होंने जो काम किया वो बढ़िया है उनका लुक था वो एक उबेरकुल थ्रू आउट द फिल्म नज़र आता है वो काफी बढ़िया नजर आता है विजय देवरकोंडा की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो से, थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही उनकी जो परफॉर्मेंसिस थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो, वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट्स थे वो भी डिसेंट वे में डिसेंट हैंडल किए हुए थे इमोशंस थे सेकंड हाफ में वो भी काफी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरन्या मुरली शर्मा रोहिणी सरन्या प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामा इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नजर आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट में उतना कुछ खास चीजें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहां पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीजें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पे हिजम अब्दुल्लाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सूपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिड पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नज़र आएगी जिसका सेकंड हाफ आप आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिवील होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी हिट का स्टेटस ले ही लेगी हो सकता है अगर फिल्म में वर्क कर गए सुपर हिट के स्टेटस पे नहीं देखा है तो थिएटर में जाकर देख सकते हो फिल्म के जो ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के लिए पे राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास है नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए तो ओटीटी वर्जन के लिए तो अभी फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही

इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकर से वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सारे घमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुई है एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे गमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा

और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा निर्वणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन्नी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकेंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइथोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रहे थे उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ, साथ स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे भी कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समंता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डी से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स फिर बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते फिल्म को सेंसर करवाया जहां पर सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज़ करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहाँ पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यार आराध्या करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था खुशी जो टाइटल सॉन्ग था साई टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिवियास और दिव्या ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड तो इन सभी गानों का अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते हैं उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर कोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समंता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी प्रिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मेरेज करते या अपने पेरेंट्स के विशेज के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरेड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पीटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही शोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था और बढ़िया तक जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते लीड पेयर के बीच में जो काफी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसेज थी से, क्रोशल सेंस में वो काफी एडोरेबल नजर आती है वहीं पर इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है उसमें जो कुछ फन मोमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस थे सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नजर आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस है उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हजम वहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने से आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म फिल्में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया हुआ फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिट पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुश आपको एक लाइकेबल कॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आप आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिवील होता है और उसमें जो ड्रामा देखने को मिलता है इमोशंस देखने को मिलते हैं वो पैकेज आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगा विजय देवरकोंडा के जो एडोरेबल थे उनकी केमिस्ट्री थी वो फिल्म को काफी बेहतर बनाते हैं और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट रहता है म्यूजिक फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाता है वहीं पर सिनेमेटोग्राफी फिल्म को काफी चार चांद लगा देती है लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा क्रिस होता चीजें और बेहतर होती ओरल देखा जाए तो फिल्म अच्छी है इसे जरूर देखा जा सकता है खुशी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 1 सितंबर 2023 को 50 50 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी हिट का स्टेटस ले ही लेगी हो सकता है अगर फिल्म वे में वर्क कर गए सुपर हिट के स्टेटस पे नहीं देखा है तो थिएटर में जाकर देख सकते हो फिल्म के जो टी सैटेलाइट बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के लिए पे नेटफ्लिक्सेलाइट राइड राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास है, आ, के के पास है। ने इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए तो ओटीटी वर्जन के लिए तो अभी फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही

विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो माइथ्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक के सारे कमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंता प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहली जी ने इसमें सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हैसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैथिली मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम एक मिनट है यानी कि दो घंटे पैंतालीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिस को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देवी आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्था प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड कास्ट का जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवानीरवाना के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन्नी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को माइत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकेंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ आ, बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समंता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डीसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग एडिटिंग और कला करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहां पर सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज़ करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहाँ पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यार आराध्या करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था कुछ जो टाइटल सॉन्ग था साई टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब व्यास और दिव्या एस मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिप्लीगंज और साकेत कोमदूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी 19 मिनट 44 सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्य के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवरकोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहां पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्यान करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है लेटर ऑन वो बाद में रिविल करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मी फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मैरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही शोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो सेंस में वो काफ़ी एडोरेबल नज़र आती है परफॉर्मेंसीज थे इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करी है खुशी के रोल में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी एफ बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मूवन मूवमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरन्या मुरली शर्मा रोहिणी सरन्या प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थी हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हिजम वहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सूपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूजिक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म फिल्में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिट पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुश आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आप आपको और भी ज्यादा विजय देवरकों के जो एडोरेबल परफॉर्मेंसेज थे उनकी केमिस्ट्री थी वो फिल्म को काफी बेहतर बनाते है और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट रहता है म्यूजिक फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाता है वहीं पे सिनेमेटोग्राफी फिल्म को काफी चार चांद लगा देती है लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा क्रिस होता चीजें और बेहतर होती ओरल देखा जाए तो फिल्म अच्छी है इसे जरूर देखा जा सकता है खुशी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 1 सितंबर 2023 को 50 50 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने आई एम डी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पॉन्स था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया है जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी हिट का स्टेटस ले ही लेगी हो सकता है अगर फिल्म वे में वर्क कर गए सुपर हिट के स्टेटस पे भी नजर इस फिल्म फिल्म की है है तो एक अच्छी फिल्म है, अगर नहीं देखा है तो थिएटर में जाकर देख सकते हो फिल्म के जो ओटीटी सैटेलाइट राइट्स उसके ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के लिए तो ओटीटी वर्जन के लिए तो अभी फिलहाल में ने फिल्म थिएटर में चल रही

इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लें में रिलीज हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी ऐड किया था जहां पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो माइथ्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सारे गाँ वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमाटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे गमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम 165 मिनट है यानी कि दो घंटे 45 मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देव और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिनम विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है सamantha राउत ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवानीवाणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वे देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया

बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समंता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके लिए जो डीसी से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स पर इस बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच डब्ल्यू स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज़ करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहाँ पे उनका शिवा निर्वाना विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजू नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यार आराध्या करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था खुशी जो टाइटल सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमां के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि कि वो का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिवियास और दिव्या पे। पे में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गाँव के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्य के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी प्रिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंशली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दिस लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मेरेज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज़ को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही शोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था और बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस थी काफी नज़र आती है वहीं पर तो उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मूवन मूवमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थी हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पे केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप अप किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सीक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकता सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो थोड़े बेहतर करते थे तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पे हिजम अब्दुलवाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमाटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिट पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया होता। वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इस को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिवील होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने आई पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पॉन्स था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया है जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी हिट का स्टेटस ले ही लेगी हो सकता है अगर फिल्म फिल्मे में वर्क कर गए सुपर हिट के स्टेटस पे नहीं देखा है तो थिएटर में जाकर देख सकते हो फिल्म के जो टी ऊपर बातचीत करें तो हिंदी डब वर्जन के लिए पे नेटफ्लिक्सेलाइट राइट राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स के पास है नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट्स खरीदे हुए तो ओटीटी वर्जन के लिए तो अभी फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल

इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पैन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी ऐड किया था जहां पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सारे घमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग आ, चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी की हुई है एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम एक मिनट है यानी कि दो घंटे पैंतालीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समंथा रोज प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नजर आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जयाराम राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवानीरवाना के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वे देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वरा सिन क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वीडी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डी से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डीसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या पर इस बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंदर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ ये पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रो जो जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं पे दिया करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गमा के द्वारा अट्ठाइस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि कि वो का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिवियास और दिव्या ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्य के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवरकोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी प्रिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो और विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दिस लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मैरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था और बढ़िया तक जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थ और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस रही थी, सुपर क्यूट तो थी में उनकी जो से, वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मूवी मूवमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थी हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नजर आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खाद करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहां अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी प्रीवल उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीजें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं अब्दुल वहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो अप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमाटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया है फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिड पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मुल फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिविल होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने आई पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पॉन्स था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कंफर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकर से वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें शिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो ट जगदीश बनाई थे और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल साबित हुई थी और ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में उनका हाथ काफी मजबूत है इस फिल्म को नवीन यनी वाई रविशंकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया हुआ था वहीं पे जो हिंदी वर्जन के राइट्स थे वो डिसन प्राइज में बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने ओटी टी सभी राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स सारे गाँ वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्था रुद प्रभु ने आराध्या आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नजर आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवानीरवाना के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वे देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन्नी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टिव टाइटल वीडी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकेंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ आ, बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डीसीज से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डीसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या फिर बाद में एडिटिंग और कला करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंदर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो को चिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं पे दिया करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिर पड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिवियास और दिव्या पे। में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चौवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर कोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी परिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है लेटर ऑन वो बाद में रिविल करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मी फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था और बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस थी क्रोशल काफी एडोरेबल नजर आती है वहीं पर इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करी है खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो, वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट मोमेंट वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थी हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पे चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस है उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पे हिजम अब्दुलवाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने से भी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूजिक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया

आपका पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड है, वहाँ पे पूरी से रिवील होता है और उसमें है जो से उनकी थी, वो फिल्म को काफी बेहतर बनाते है और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट रहता है म्यूजिक फिल्म को एक अलग लेवल पे ले जाता है वहीं पर सिनेमेटोग्राफी फिल्म को काफी चार चांद लगा देती है लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा क्रिश होता चीजें और बेहतर होती है फिल्म अच्छी है इसे जरूर देखा जा सकता है खुशी फिल्म की थियेट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो एक सेप्टेम्बर दो को पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई है दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कम्फर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पैन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लें में रिलीज हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी ऐड किया था जहां पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सारे गाँव वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग आ, चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुई है एडिटिंग प्रवीण पुरी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी ये रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम एक मिनट है यानी कि दो घंटे पैंतालीस मिनट लंबी ये फिल्म देखने को मिलेगी जिस को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय और कुंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समंथा रुद प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नजर आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जयाराम राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिव निर्वणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिंह क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वीडी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज़ के लिए और सभी वजन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसो करके कुछ आ, बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डीसीज से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो, उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डीसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या पर इस बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीज़ों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन क्वाई गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोप्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यारा करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल सॉन्ग था साई टाइटल सॉन्ग था उसको सारे गा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की वो का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गमा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिव्या और दिव्या एस मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांधी के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर कोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी परिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दि लेटर ऑन वो बाद में रिविल करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मी फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कम्फर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मेरेज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पेटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों का बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो सेंस में वो काफ़ी एडोरेबल नजर आती है वहीं पर इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करी है खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट मोमेंट वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीजें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पे चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हिजाम अब्दुलवाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिट पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आप आपको और भी ज्यादा फिल्म का जो है, वहाँ पे पूरी रिवील होता है और उसमें जो ड्रामा देखने को मिलता है, देखने को मिलते है वो आपको पूरी करेगा। जो उनकी केमिस्ट्री थी वो फिल्म को काफी बेहतर बनाती है और सपोर्टिंग आर्टिस्ट की तरफ से अच्छा सपोर्ट रहता है म्यूजिक फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है वहीं पर सिनेमेटोग्राफी फिल्म को काफी चार चांद लगा देती है लेकिन फिल्म का रन टाइम थोड़ा क्रिस होता चीजें और बेहतर होती ओरल देखा जाए तो फिल्म अच्छी है इसे जरूर देखा जा सकता है खुशी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 1 सितंबर 2023 को 50 50 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट आठ की रेटिंग मिली हुई दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कम्फर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूजिक के राइट सारे घमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम मिनट है यानी कि दो घंटे पैतालीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देव और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्था रुद प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा निर्वाणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिंह क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वीडी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहां पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज के लिए और सभी वजन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कंप्लीट करवाया था सेकंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइट्रोसीट करके माइसो सीट्स करके कुछ बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रहे थे उस डिस से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवरकोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डिसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स या फिर बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंदर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन क्वाई गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ ये पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यारा दिया करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल था, टाइटल सॉन्ग सॉन्ग था साइड टाइटलो सारे गा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम अब्दुल वहाब ने गाया हुआ था यादि की वो का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको हैसम अब्दुल वहाब दिव्या और दिव्या एस मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गांव के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी प्रिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंशली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दि लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पीटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकिस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया होता है बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स थे और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस थी एडोरेबल नजर आती है वहीं पर इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट मोमेंट्स वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पे केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप अप किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पर चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सीक्वेंस है उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पे अब्दुल अब्दुलवाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूजिक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह से मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिट पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मुल फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकेंड हाफ आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिवील होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें 6.8 की रेटिंग मिली हुई है दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कम्फर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस लें में रिलीज हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी ऐड किया था जहां पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो माइथ्री मूवी मेकरस है वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है शिवा निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवा निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो

इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स सारे गमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हेसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम 165 मिनट है यानी कि दो घंटे पैंतालीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देवी और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्था रुद प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नज़र आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जया राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा शिवानीर्वणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन्नी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मायथ्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ

बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रही थी उस डिस से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवर कोंडा के साथ, साथ स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे वो, उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन, समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके लिए जो डिसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स पर इस बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंडर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो को क्वाई गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजू नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यार करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल था, टाइटल सॉन्ग सॉन्ग था साइड टाइटलो सारे गा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम वहाब ने गाया हुआ था यादि की वो का गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे उस इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको अब्दुल वहाब दिव्यास और दिव्या एस मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिप्लिगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी 19 मिनट 44 सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गाँव के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी प्रिटेंट करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो और विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दि लेटर ऑन वो बाद में रिवील करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि, जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मेरेज करते या अपने पेरेंट्स के विशेष के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मेरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पीटी इश्यूज को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकेस किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया हुआ था बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स से और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों का बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस थे सेंस में वो काफी एडोरेबल नजर आती है वहीं पर इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करी है खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी एफ बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरनिया मुरली शर्मा रोहिणी सरनिया प्रदीप वहीं पे सचिन खेड़ेकर राहुल रामाकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे मोटे किरदार प्ले करते तो हुए नजर आते सभी रोल में काफ़ी बढ़िया थी हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नज़र आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खास करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पे चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हिजाम वहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने से भी आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूज़िक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूज़िक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया है फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिड पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इस को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मोलिक फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए तो कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि खुशी आपको एक लाइकेबल रोमकॉम फिल्म नजर आएगी जिसका सेकंड हाफ आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि फिल्म का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मेन प्लॉट पूरी तरह से रिवील होता है और उसमें

पचास करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें 6.8 की रेटिंग मिली हुई है दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कम्फर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो खुशी जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस ये एक पेन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु में पहले बनाया गया था इनिशियली ये पेन साउथ फिल्म थी पहले सिर्फ साउथ इंडियन लैंग्वेज लें में रिलीज़ हो रही थी लेकिन लेटर ऑन हिंदी वर्जन भी एड किया था जहाँ पे इस फिल्म को 2023 में तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के साथ रिलीज़ किया हुआ है और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मायत्री मूवी मेकर वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए इसके राइट्स बिफोर इमोशन पिक्चर्स को बेचे गए थे इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है निर्वाणा स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें सिवान निर्वाणा ने ही की हुई है और वैसे भी वो इस टाइप की फिल्म को बनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं इससे पहले उन्होंने निन्नूकोरी दो हज़ार में बनाई थी मजिली दो में और दो में टक जगदीश बनाई थे और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल साबित हुई थी और ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जोनर में उनका हाथ काफी मजबूत थी इस फिल्म को नवीन इनैनी वाई रविशंकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करवाया हुआ था वहीं पे जो हिंदी वर्जन के राइट्स थे वो डिस इमोशन पिक्चर्स वालों ने ओ टी सभी राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट सारे घमा वालों को बेचे गए थे तो इस तरह से अलग अलग वजन के लिए अलग अलग आ, चीज़ों के राइट्स बेचे गए थे फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विजय देवरकोंडा समंतारूद प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे वहीं पे टेक्निकल टीम में मोहल्ली जी ने इसमें सिनेमेटोग्राफी किए हुए एडिटिंग प्रवीण पूड़ी ने किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट में हसम अब्दुल वहाब ने म्यूजिक दिया हुआ है सारे घमा का म्यूजिक है वहीं पर मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है इस फिल्म को करीबन पचास करोड़ जितने हाई बजट में बनी है रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसका रन टाइम एक मिनट है यानी कि दो घंटे पैतालीस मिनट लंबी फिल्म देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब बात करें कास्टिंग के ऊपर तो विजय देव और कोंडा आपको लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने विप्लव का रोल प्ले किया हुआ है जो आराध्या का हस्बैंड है समन्था रुद प्रभु ने आराध्या यानी कि आरा का रोल प्ले किया हुआ है जो विप्लव की वाइफ है और इस फिल्म में सचिन खेड़ेकर लेनिन सत्या के रोल में दिखाई देंगे जो विप्लव के फादर है शरणिया पोनवाना ने विप्लव की मां का रोल प्ले किया हुआ है मुरली शर्मा आपको चंद्रगम्मा श्रीनिवासा राव का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आराध्या के फादर का रोल था वहीं पे लक्ष्मी आराध्या की ग्रैंड मदर का रोल प्ले करती हुई नजर आती है इसके अलावा रोहिणी वेनेला किशोर जयाराम राहुल रामाकृष्णन अली श्रीकांत अयंगर भरत रेड्डी और शरणिया प्रदीप आपको इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे तो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की डेवलपमेंट दिसंबर 2019 में की गई थी शिवा निर्वाणा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि विजय देवर कोंडा के साथ एक फिल्म बना रहे जिसको दिल राजू श्री वेंकटेश्वर सिन्नी क्रिएशन के नीचे प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मली इसको अप्रैल 2022 में टेंटेटिव टाइटल वी डी इलेवन के साथ लॉन्च किया गया जहाँ पे पता चला कि इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स अब प्रोड्यूस करने वाली है जहाँ पे मई दो में फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया जिसका नाम खुशी रखा गया जहाँ पे इस फिल्म को अनाउंस किया तब साउथ इंडियन पेन साउथ इंडिया में रिलीज़ हो रहे थे उसके बाद में हिंदी में भी सेट किया रिलीज़ के लिए और सभी वर्जन में खुशी ही नाम रखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में स्टार्ट की गई थी पहला शेड्यूल कश्मीर में रखा हुआ था जिसको मई मैं महीने में कम्प्लीट करवाया था सेकेंड शेड्यूल था उसको जून महीने में हैदराबाद वाइजेक और अलापुल्ला में शूट किया हुआ था इसके बाद में समन्था को माइथोसीट करके माइसोसीट्स करके कुछ बीमारी हुई थी उससे वो सफ़र कर रहे थे उस डिस से जिसके चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा तीसरा शेड्यूल था उसको नवंबर में विजय देवर कोंडा के साथ स्टार्ट साथ किया हुआ था जहाँ पे वो उसके साथ दूसरे विकास ने ज्वाइन किया हुआ था और उसके उनके समन समन्ता के अलावा जितने भी पोर्सन थे उनको पहले शूट किया गया मार्च 2023 में समन्ता ने सेट ज्वाइन किया और उसके बाद में उनके जो डिसीज से वो रिकवर हुई उसके बाद में उस सेट को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पोर्सन को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया डबिंग्स फिर बाद में एडिटिंग और कलर करेक्शन उन सभी चीजों में काम करवाते हैं फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सारे गमा वालों ने लेबल उनके लेबल के अंदर इसके राइट्स बेचे गए थे 19 मिनट चौवालीस सेकंड का साउंड ट्रैक था जिसको एच स्टूडियो कोचिन गावे ही म्यूजिक स्टूडियो मुंबई में शूट किया हुआ था 2022 में और तेईस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया 2023 में रिलीज करवाया गया सारे गमा के द्वारा इसके म्यूजिक कंपोजर बैकग्राउंड स्कोर और कंपोजिशन फिल्म के लिए हेसम अब्दुल वहाब ने की हुई थी जहां पे उनका शिवा निर्वाणा विजय देवरकोंडा के साथ एक पहला कोलोब्रेशन था फिल्म का पहला गाना ना रोजो नूवे जिसको नौ मई दो में सारे के द्वारा रिलीज करवाया हुआ था उस गाने के लिरिक्स शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे सिंगर हेसम अब्दुल वहाब थे वहीं प्यार करके जो गाना था उसको रिलीज किया गया बारह जुलाई दो हजार तेईस को उसको लिखा हुआ था शिवा निर्वाणा ने सिद्ध श्री राम चिन्मय सिरपाड़ा ने उसको गाया हुआ था जो टाइटल था, टाइटल सॉन्ग सॉन्ग था साइड टाइटलो सारे गमा के द्वारा अट्ठाईस जुलाई को रिलीज करवाया गया था उसको शिवा निर्वाणा ने लिखा हुआ था हेसम वहाब ने गाया हुआ था यादि की ओर गायम करके जो गाना था उसके लिरिक्स भी शिवा निर्वाणा ने लिखे हुए थे इस फोर्थ टाइटल को सत्रह अगस्त को रिलीज करवाया गया था सारे गा के यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसको अब्दुल वहाब दिव्या और दिव्या एस मेनन ने उसको गाया हुआ था वहीं पे ओसी पेल्ला में करके जो लास्ट गाना था फिफ्थ सिंगल उसको 26 अगस्त 2023 को रिलीज करवाया हुआ था शिवा निर्वाणा ने उसको लिखा हुआ था राहुल सिपलीगंज और साकेत कोमादूर ने उसको गाया हुआ था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको फिल्म में रखे हुए थे जिसकी लेंथ थी उन्नीस मिनट चवालीस सेकंड तो इन सभी गानों को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियल इन्जॉय करना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में तो सुन सकते हो सारे गवा के यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर फिल्म की कहानी है वो विप्लव आराध्या के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है जहाँ पे ये फिल्म वैसे कोई आउट ऑफ दी बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आई है ये सभी चीज़ें सेम ही है कॉमन और पेटी इश्यू को किस तरह से रिलेशनशिप में लोग फेस करते हैं उसके ऊपर सेट की हुई है जहाँ पे विप्लव यानी कि विजय देवर कोंडा जो बी एस एन एल में काम कर रहे हैं उसको आराध्या नाम की लड़की से प्यार होता है वो रोल समन्ता प्ले कर रही है जहाँ पे वो पहली बार उसको देखता है तभी से उसे वन साइड लव हो जाता है बाद में आराध्या ऐसी पर्यटन करती है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है क्योंकि वो विप्लव को अवॉइड करती है इवेंचुअली आराध्या भी विप्लव के प्यार में पड़ जाती है दि लेटर वन वो बाद में रिविल करती है कि वो कंजर्वेटिव ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन विप्लव और आराध्या के जो फादर है वो एक दूसरे को जानते हैं जि जिसमें लेनिन सत्यम जो सचिन खेड़े का रोल प्ले कर रहे हैं और चंद्रगाम श्रीनिवास राव जो मुरली शर्मा रोल प्ले कर रहे हैं तो मुरली शर्मा है वो आराध्या के फादर का रोल है और विप्लव का जो फादर का रोल है वो है लेनिन सत्यम तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ इश्यूज़ के चलते अनबन के चलते उनके फैमिलीज एक दूसरे के साथ इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो विप्लव और आराध्या उनके अगेंस्ट जाके किस तरह से मैरिज करते या अपने पेरेंट्स के विशेज के साथ कैसे मैरिज करते क्या आगे होता है उनके साथ कुछ एनकाउंटर होते जो अनएक्सपेक्टेड इश्यूज होते वो किस तरह से उसका फेस करते हैं उनके मैरिड लाइफ में वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म का जो कौन है कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है वही कॉमन पीटी इश्यूज़ को लेते हुए जो रिलेशनशिप में होता है उसके ऊपर ही सोकिस so किया हुआ है वैसे एक लाइट हार्टेड मैनर वाली फिल्म है जहाँ पे खास करके सेकंड हाफ में लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको जिस तरह से एड किया होता है बढ़िया था जो एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर था सॉन्ग्स से और अच्छे खासे विजुअल्स उन सभी चीज़ों को बढ़िया सपोर्ट दे देता है वहीं पर फिल्म के कई ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं लीड पेयर के बीच में जो काफ़ी बढ़िया तरीके से फैमिली ऑडियंस के साथ देखने में मजा आता है

की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी जो परफॉर्मेंसिस थी सेंस में वो काफी एडोरेबल नज़र आती है है वहीं पे आ, इस फिल्म में समन्था लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करी है, खुशी के रोल में वो काफी ज्यादा क्यूट और सुपर नजर आ रही थी सुपर क्यूट तो थी साथ ही में उनकी जो परफॉर्मेंसीज थी वो भी काफी जबरदस्त नजर आती है उनकी विजय देवर कोंडा की केमिस्ट्री आपको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करेगी एफर्टलेसली वो काफी बढ़िया तरीके से इमोशनल सिक्वेंस में काम करती हुई नजर आती है जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया उसमें जो कुछ फन मोमेंट थे वो भी डिसेंट वे में से हैंडल किए हुए थे इमोशंस से सेकंड हाफ में वो भी काफी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने हैंडल किए हुए थे सरन्या मुरली शर्मा रोहिणी सरन्या प्रदीप वहीं पे सचिन हेडेकर राहुल रामकृष्णन इस फिल्म में कुछ छोटे-मोटे किरदार प्ले करते तो नजर आते सभी रोल में काफी बढ़िया थे हाँ इस फिल्म में जिस तरह का कहानी था वो आपने पहले कुछ फिल्मों से देखा हो ऐसा नजर आएगा प्रिडिक्टेबल प्लॉट था क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पता लग जाती है तो वो उतना एक एक्स्ट्रा एक इम्पेक्ट पड़ना चाहिए वो फिल्म में नहीं पड़ पाता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद मेकर्स ने जिस तरह चीज़ों को हैंडल किया वो बढ़िया है वहीं पर केरला का जो एपिसोड है उसको थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता था मूवी थोड़ी आपको लेंदी फील होगी एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको खाद करके चॉप ऑफ किया जा सकता था कश्मीर के पोर्सन को बिना मतलब काफ़ी जगह पे खींचा हुआ है उसको भी चॉप अप किया जा सकता था और फर्स्ट हाफ में उतना कुछ खास चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं आ रहा था वहाँ पे चीज़ों को चॉप अप किया जा सकता था तो प्री इंटरवल सीन से पहले जितने भी सिक्वेंस थे उसमें कुछ उतने कुछ खास दम नहीं था तो वो सभी चीज़ें थोड़ी बेहतर की जा सकती थी तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़े बेहतर कर देते तो फिल्म थोड़ी क्रिस्प हो जाती अच्छी हो जाती वहीं पर हिजम अब्दुलवाहाब के ऊपर बातचीत करें तो उनका म्यूजिक फिल्म का सेकंड हीरो है ऐसा कह सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड स्कोर था जो सॉन्ग्स रखे हुए थे वो सुपअप थे फिल्म के गाने से आपके दिमाग में छप जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को बेहतर कर रहा था और इस म्यूज़िक के थ्रू ये रोमांटिक कॉमेडी और भी बेहतर वे में निखर के आती है जिस तरह मैंने अभी कहा कि चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जिस तरह से चीज़ों को दिखाया वो बढ़िया था उसमें म्यूजिक पूरी तरह से सपोर्ट करता है उसके साथ में जिस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी सपोर्ट करती है वो बढ़िया थी वो भी इस फिल्म के लिए एक काफ़ी बेहतरीन काम कर जाती है काफ़ी रिच विजुअल्स को एनहेंस करके दिखाया हुआ है वो एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन रहेगा इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ भी कंट्रो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्रोडक्शन में लाया हुआ है वहीं पर एडिटिंग फिल्म की बेहतर हो सकती थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी पौने तीन घंटे की फिल्म में आसानी से इस फिल्म को पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्मों को बनाया हुआ फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था मेरिड पीपल को जिस तरह से चीजों को जिस स्टाइल में डिलीवर उन्होंने किया हुआ था वो बढ़िया था ओवरऑल देखा जाए तो सिंपल लाइफ इश्यूज को लेते हुए खुशी फिल्म को उन्होंने वही सेम कैटेगरी में डाला हुआ है वही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जिस तरह के फॉर्मुल फिल्म होते हैं उसी कैटेगरी में ओवरऑल देखा जाए कास्टिंग अच्छी है डायरेक्शन को एक अच्छी सॉलिड टीम मिली हुई थी जिसके चलते चीजें बेहतर वे में गई है और यही रीजन है कि

थोड़ा क्रिस होता चीजें और बेहतर होती ओरल देखा जाए तो फिल्म अच्छी है इसे जरूर देखा जा सकता है खुशी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो एक सितंबर 2023 को 50 50 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस फिल्म ने आईएमडी पे करीबन अभी तक बयालीस सौ वोट हासिल किए जिसमें 6.8 की रेटिंग मिली हुई है दस में से और फिल्म का जो ये रिस्पांस था फिल्म को काफ़ी बेहतर बना गया जहां पे बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने अभी तक कम्फर्टेबली तीन दिनों में करीबन छत्तीस करोड़ से ज़्यादा का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ है आने वाले समय में ये फिल्म और बेहतर कलेक्शन डेफिनेटली करेगी और आसानी से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल वेंचर होने के चांसेस पूरे सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी

इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से खुशी फिल्म को आप ऑफिशियली देख सकते हो तो बस गाय इस खुशी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को कैसे आप ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दी है फिल्म के स्टार स्टारकास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू